तो क्या हाल है सिक्सर के चाहने वालों, बिगड़ के मत वालों, क्रिकेट के दीवानों। उम्मीद है कि ना आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिग बैश लीग 2022 एंड 23 मैच नंबर 6। अगर हम इस मैच की बात करें ना तो पर्थ स्कॉचर्स वर्सेस सिडनी सिक्सर्स के बीच में खेला जाएगा। दोस्तों जो पिछले बार का फाइनल था ना बिग बैश का, वो भी पर्थ एंड सिडनी सिक्सर्स के बीच में खेला गया था, और उस मैच में जो पर्थ स्कॉचर्स की टीम है ना, एक तरफा ऐसी बैंड बजाई थी, ऐसा रेला था किसको, सिडनी सिक्सर्स को फाइनल मैच में, मतलब एक तरफा हरा दिया था। बोला था आया बड़ा चैंपियन बनने, तो पर्थ स्कॉचर्स चैंपियन है, सिडनी सिक्सर्स चैंपियन नहीं बन पाया। दोस्तों क्या फिर से पर्थ स्कॉचर्स चैंपियन की तरह परफॉर्मेंस करेगा और करेगा फिर से मैदान फतेह, या फिर दोस्तों सिडनी सिक्सर्स बोलेगा भाई साहब इस बार ना हम अलग इरादे से उतरे, हम करेंगे पलटवार, लेंगे पिछली हार का बदला। और वैसे भी सिडनी सिक्सर्स की जो शुरुआत हुई है ना बिग बैश 2022-23 की, वो हार के साथ हुई है, तो ये मैच हर हाल में तो जीतना चाहेंगे कौन, सिडनी सिक्सर्स। तो आप भी तो जानना चाहते होंगे ये जो मैच होगा कौन सी टीम करेगी अपने नाम पर्थ स्कॉचर्स या फिर सिडनी सिक्सर्स, जानना चाहते थे ये वीडियो आपके लिए, बस पूरी वीडियो देख डालें। सबसे पहले हम ये जानते हैं हेड टू हेड, जब ये दोनों टीमें इससे पहले आमने सामने आई हैं तब कौन सी टीम किस पे पड़ी है भारी। तो अभी तक इनके बीच में 24 मैच खेले गए, जिसमें से पर्थ स्कॉचर्स ने 15 मैच जीता, सिडनी सिक्सर्स ने 9 मैच जीते। अगर हम यहाँ पे देखें जो पर्थ की टीम है ना, हमेशा सिडनी सिक्सर्स के सामने जबरदस्त परफॉर्मेंस करती है। वीवीएल 2021 और 22 पिछले सीजन इनके बीच में 4 मैच खेले गए, और चारों ही मैच पर्थ स्कॉचर्स ने सिडनी सिक्सर्स को हरा दिया। इनसे बोला कि भैया तुमसे ना हो पाएगा, हमसे मैच वैच जीतना। दिसंबर के महीने में इनके बीच में 7 मैच खेला गया, जिसमें से 3 मैच पर्थ स्कॉचर्स जीता, 4 मैच सिडनी सिक्सर्स जीता, यानी दिसंबर महीने की बात करें तो मामला बराबरी का नजर आ रहा। सैटरडे के दिन इनके बीच में 7 मैच खेला गया, जिसमें से 3 मैच जीता पर्थ स्कॉचर्स, 4 मैच जीता सिडनी सिक्सर्स। तो अगर हम यहाँ पे सैटरडे की बात करें तो यहाँ पर भी जो मामला है ना वो बिल्कुल बराबरी का नजर आ रहा। लास्ट 5 मुकाबले की बात करें तो पर्थ स्कॉचर्स ने 4 मैच जीता और सिडनी सिक्सर्स ने जीते 1। तो अगर हम यहाँ पे लास्ट 5 मुकाबले की बात करें, जो पर्थ स्कॉचर्स कर रहा है ना खत्म, मतलब सिडनी सिक्सर्स खत्म, मतलब 5 में से 4 पर्थ स्कॉचर्स जीता, बस 1 मैच सिडनी सिक्सर्स जीता, तो खत्म ही है ना, मतलब बिल्कुल खत्म करके रख दिया। लेकिन आपको पता है ना जो आंकड़े होते हैं टूट जाते हैं नए रिकॉर्ड्स बनने के लिए, तो करंट परफॉर्मेंस के हिसाब से क्या होगा चलो हम जानते हैं। लेकिन उससे पहले भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो मेरा हौसला बढ़ता है। तो भाई का सपोर्ट नहीं करोगे, मैं मानता हूं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूं, कोई हीरो नहीं हूं, लेकिन आपका भाई आपके लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करता है। और दोस्तों साथ में ना मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको सभी मैचों में फायदे में रहना है। जिन लोगों ने मेरा टेलीग्राम ज्वाइन किया बहुत ही फायदे में है, आप भी फायदे में रहना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर डाले। बस एक चीज का ध्यान रखें, फेक से मेरे नाम पे ना बहुत ज्यादा नकली टेलीग्राम चैनल बना लीजिएगा, इसलिए इधर उधर और कहीं से टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करना, जो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में बस वहीं से ज्वाइन करें। तो अगर हम इस मैच की बात करें, सैटरडे 17 दिसंबर इंडिया टाइम अनुसार 1:45 PM से आप इसका लाइव एक्शन देख सकते हैं। यह मुकाबला खेला जाएगा पर्थ स्टेडियम पर्थ में। यहां के मैदान पे अभी तक T20 डोमेस्टिक के 21 मैच खेले गए, जिसमें से 13 मैच में क्या हुआ टारगेट डिफेंड और 8 मैच में क्या हुआ टारगेट चेज। यानी यहां के मैदान पे ज्यादा मैचों में क्या होते हैं टारगेट डिफेंड होते हैं। एवरेज स्कोर यहां पे फर्स्ट इनिंग का 167, 167 रन टारगेट चेज की बात करें तो 159, 159 से नीचे स्कोर बनेगा ना तो 10 मैच में से 8 मैच में टारगेट चेज हो सकता है। टारगेट डिफेंड की बात करें 175, 175 प्लस स्कोर बनेगा तो 10 मैच में से 8 मैच में टारगेट डिफेंड हो सकता है। 159 से 175 के बीच में स्कोर होगा तो आप समझ जाना अब ये जो मामला है ना ये तो बराबरी का आ गया, चेज भी हो सकता है और डिफेंड भी हो सकता है। भाई लोग यहाँ के मैदान पे जो मैच होते हैं ना आपको ज्यादा हाई स्कोरिंग देखने को मिलते हैं ना ज्यादा लो स्कोरिंग देखने को मिलते हैं, मीडियम स्कोरिंग मैच देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो पिच है ना वो ग्रीन ग्रोस है, शुरू में जो तेज गेंदबाज है उनको काफी ज्यादा हेल्प मिलती है, उनकी जो बॉल होती है स्विंग करता है एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है, क्योंकि यहाँ की जो कंडीशन है वो बाउंसी है, तो मतलब शुरू में तेज गेंदबाजों को हेल्प करता है। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है बल्लेबाजी करने के लिए यहाँ का जो पिच है वो आसान हो जाता है। और अगर हम यहाँ की बाउंड्री लेंथ की बात करें तो 63 मीटर से 81 मीटर की मतलब बड़ी बाउंड्री है, चौके छक्के इतनी आसानी से लगते नहीं, इसलिए यहाँ पे जो मैच होता है ना वो थोड़ा सा मीडियम स्कोरिंग मैच होता है। अगर हम आज के पावर प्ले स्कोर की बात करें यानी जो शुरू का 6 ओवर का स्कोर होता है उसमें आपको 40 से 45 का स्कोर देखने को मिल सकता है, 20 ओवर स्कोर की बात करें तो 160 से 175 के बीच में देखने को मिल सकता है। अगर हम यहाँ के मैदान पे दोनों टीमों की परफॉर्मेंस की बात करें तो पर्थ स्कॉचर्स ने 20 मैच खेले जिसमें से 11 मैच जीता 9 मैच हार गया, यानी पर्थ अपने घर में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाता। सिडनी सिक्सर्स की बात करें तो 3 मैच खेला जिसमें से 1 जीता
तो हारा तो सिडनी, कौन सी बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहा है, ये भी बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा है। पर्थ वर्सेस सिडनी की बात करें तो यहाँ के मैदान पे 3 बार आमना सामना हुआ, जिसमें से 2 मैच जीता पर्थ स्कॉचर्स, 1 मैच जीता सिडनी सीसर्स। यानी पर्थ कह रहा है हम अपने घर में ना तुमसे थोड़ा सा आगे हैं, तो आज के मैच में क्या होगा चलो हम ये जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे पर्थ की, अगर हम इनकी ओपनिंग जोड़ी की बात करें तो एडम लिथ एंड फाफ डू प्लेसिस। अगर हम यहाँ पे एडम लिथ की बात करें तो काफी तेज तर्रार शुरुआत करते हैं, फाफ डू प्लेसिस की बात करें आप सबको पता है जैसी जरूरत वैसी बल्लेबाजी करते हैं। तीसरे नंबर की बात करें तो विकेट कीपर बल्लेबाज जोश इंग्लिश खेलते नजर आएंगे, ये भी T20 के काफी बढ़िया बल्लेबाज है जो कि हमेशा बढ़िया परफॉर्मेंस करते हैं। चौथे नंबर पर कैमरून बैनक्रॉफ्ट जो कि संभाल के खेलते हैं, हालांकि जो इनकी परफॉर्मेंस होती कभी अच्छी रहती कभी अच्छी नहीं रहती। पांचवें नंबर पर एस्टन टर्नर कप्तान, टर्नर की बात करें तो भाई साहब जब आते हैं बस इनको यही धुन रहती है कि चौके छक्के मारते हैं और मार भी लेते हैं, यानी जो एस्टन टर्नर है ना वो काफी ज्यादा कमाल की T20 बल्लेबाज है। 6वें नंबर की बात करें तो निक हॉब्सन खेलते नजर आएंगे, निक हॉब्सन की बात करें तो ऑलराउंडर है, नया लड़का है जो बल्लेबाजी भी ठीक ठाक करता है, गेंदबाजी भी बढ़िया कर लेता है। और अगर हम यहाँ पे 7वें नंबर की बात करें एस्टन अगार की बात करें तो भाई साहब गेंदबाजी जो है ना काफी ज्यादा किफायती करते हैं, विकेट भी निकालते हैं और जरूरत पड़ने पर बल्लेबाजी भी काफी ज्यादा बढ़िया कर लेता है। 8वें नंबर पर एंड्रू टाय की बात करें, भैया इनको विकेट जरूर मिलते हैं, भले थोड़ा सा महंगे साबित हो सकते हैं लेकिन एंड्रू टाय हमेशा विकेट निकालते हैं। 9वें नंबर की बात करें टाइमल मिल्स, आप सबको पता है इंग्लैंड का गेंदबाज है, T20 का स्पेशलिस्ट गेंदबाज है कौन, टाइमल मिल्स। 10वें नंबर की बात करें पीटर हॉटजोगलू की बात करें जो इनका एक्शन है थोड़ा सा अजीब है लेकिन विकेट हमेशा निकाल के देते हैं, काफी अच्छा लेग स्पिनर है। और 11वें नंबर की बात करें जैसन बैरनडॉर्फ जो कि स्विंग का काफी बढ़िया से फायदा उठाते हैं, जिस पिच पे स्विंग होता है खतरनाक गेंदबाज हो जाते हैं, और पर्थ में मैच है पर्थ पे स्विंग है तो जैसन बैरनडॉर्फ खतरनाक हो सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे पर्थ स्कॉचर्स की बात करें ना तो चाहे इनकी बल्लेबाजी की बात करें गेंदबाजी की बात करें या ऑलराउंडर की बात कर ले हर जगह परफेक्ट नजर आ रहा है। दोस्तों सिडनी सिक्सर्स की बात करें जो अपना पहला मैच खेले और हार गए, किससे हारे एडिलेड स्ट्राइकर से, दोस्तों एक तरफा है। चाहे गेंदबाजी की बात करो तो पहले इनकी गेंदबाजी खराब है, इसके बाद बल्लेबाजी के नंबर आए तो बल्लेबाजी भी ना चल पाए, किसकी सिडनी सिक्सर्स की हो जाता है, आधा मैच में परफॉर्मेंस नहीं निकलती क्योंकि जो इनकी ओपनिंग जोड़ी है काफी ज्यादा बढ़िया है, जोस फिलिप्पे और कुर्टिस पैटरसन काफी बढ़िया ओपनिंग जोड़ी है इनकी। अगर हम बात करें यहाँ पे मिडिल ऑर्डर के तो जेम्स बिन्स है, मोजेस हॉनरिक्स है, जॉर्डन सिल्के, हाँ डेनियल ह्यूज, पिछले मैच में डेनियल ह्यूज को नहीं खिलाया था, इस बार डेनियल ह्यूज की वापसी हो सकती है, ये एक चेंज हो सकता है। अगर हम यहाँ पे इनकी बल्लेबाजी की बात करें तो डेनियल किसान तक इनकी बल्लेबाजी, सीन अवॉर्ड भी बल्लेबाजी कर लेते हैं, तो जो इनकी बल्लेबाजी है ना भाई साहब ठीक ठाक नजर आ रही है। पिछले मैच में ना इन्होंने थोड़ा सा ज्यादा गेंदबाजों को खिला लिया था तब भी ज्यादा कुछ फायदा नहीं हुआ था, इस बार हेडन करके जगह पे डेनियल ह्यूज की वापसी हो सकती है, बस ये एक चेंज हो सकता है। इनकी बल्लेबाजी ठीक ठाक है, हालांकि पहले मैच में चली नहीं, कोई बात नहीं हो जाता है। और गेंदबाजी की बात करें इनकी गेंदबाजी भी काफी ज्यादा बेहतर है क्योंकि इजहारुल हक नावीद ने पिछले मैच में डेब्यू किया और काफी जबरदस्त गेंदबाजी करी। स्टीव कॉफी हमेशा स्पिन बढ़िया करते हैं, बाकी अगर हम यहाँ पे बेन डॉरेसेस की बात करें, सीन अवॉर्ड की बात करें तो ये भी तेज गेंदबाजी जो है ना काफी ज्यादा बढ़िया करते हैं। यहाँ पे जो सिडनी सिक्सर्स की टीम है वो ठीक ठाक है, बस पहले मैच में परफॉर्मेंस नहीं निकल पाई। वहीं अगर हम इन दोनों टीमों के लास्ट 6 मैच के भी पे कंपैरिजन करें तो पर्थ स्कॉचर्स ने अपने लास्ट के 6 मैच में 5 मैच जीता, बस 1 मैच हारा, ये हुई ना चैंपियन वाली परफॉर्मेंस, तभी तो ये चैंपियन बने। इस दौरान जो इनका बल्लेबाजी एवरेज है 174/174 जो कि काफी ज्यादा बढ़िया होता है, गेंदबाजी एवरेज की बात करें 7.54 गेंदबाजी एवरेज भी बढ़िया होता है, तभी तो लास्ट के 6 मैच में 5 मैच जीता बस 1 मैच हारा। सिडनी सिक्सर्स की बात करें तो अपने लास्ट के 6 मैच में 3 मैच जीते और 3 मैच हार के, मतलब एक जीत रहे एक हार रहे, ऐसी इनकी कहानी चल रही। इस दौरान जो इनका बल्लेबाजी एवरेज है 163/163 हम बढ़िया नहीं कह सकते, खराब है, तभी तो एक जीत रहे एक हार रहे। गेंदबाजी एवरेज की बात करें 7.49 जो गेंदबाजी एवरेज होता है ये बढ़िया होता है, मतलब गेंदबाज बढ़िया कर रहे हैं सभी मैचों में, बल्लेबाज बढ़िया नहीं कर पा रहे हैं। और अगर हम इन दोनों टीमों के चेज और डिफेंड की रिकॉर्ड्स की बात करें एक दूसरे के सामने कैसा है, तो पर्थ स्कॉचर्स को 12 मैच में चेज करने का मौका मिला, 8 में कर लिया 4 में ना कर पाए, यानी पर्थ स्कॉचर्स सिडनी सिक्सर्स के सामने जबरदस्त तरीके से चेज करता है। और सिडनी सिक्सर्स को भी 12 मैच में चेज करने का मौका मिला पर्थ स्कॉचर्स के सामने, 5 में कर लिया 7 में ना कर पाए, यानी जो सिडनी सिक्सर्स की टीम है ना वो अच्छे से नहीं कर पाती किसके, पर्थ स्कॉचर्स के सामने। पर्थ स्कॉचर्स ने जो हाईएस्ट स्कोर चेज किया सिडनी सिक्सर्स के सामने 177/177, और सिडनी सिक्सर्स ने जो हाईएस्ट स्कोर चेज किया है पर्थ स्कॉचर्स के सामने 167
167 रन। डिफेंड की बात करें तो पर्थ स्कॉचर्स को 12 मैच में डिफेंड करने का मौका मिला, 7 में कर लिया, 5 में ना कर पाई। यानी जो पर्थ है ना वो ठीक ठाक तरीके से डिफेंड भी करता है सिडनी सिक्सर्स के सामने, और सिडनी सिक्सर्स को 12 मैच में डिफेंड करने का मौका मिला, 4 में कर लिया, 8 में ना कर पाई। यानी फिसड्डी साबित होता है सिक्सर पर्थ स्कॉचर्स के सामने डिफेंड करने में। पर्थ स्कॉचर्स ने जो लोवेस्ट स्कोर डिफेंड किया सिडनी सिक्सर्स के सामने 135 135 रन, और सिडनी सिक्सर्स ने जो लोवेस्ट स्कोर डिफेंड किया पर्थ स्कॉचर्स के सामने 164 164 रन। तो भाई लोग बिग बैश लीग 2022 एंड 23 जो मैच नंबर 6 है ना, इसकी हमने सारी एनालिसिस कर ली। अब वो जानते हैं जिसका आप कर रहे हैं इंतजार, कौन सी टीम जीतेगी आज का मैच। लेकिन उससे पहले भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई का सपोर्ट करना नहीं चाहते। मैं मानता हूं कोई हीरो नहीं हूं, कोई सेलिब्रिटी नहीं हूं, लेकिन आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करता हूं। तो भाई का सपोर्ट नहीं करोगे, सपोर्ट करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर डालो। तो सारी एनालिसिस करने के बाद क्रिकेट के नियमानुसार अगर हम इस मैच की बात करते हैं, जो मैच है ना वो 50-50 है, 50 पर्थ स्कॉचर्स और 50 सिडनी सिक्सर्स। लेकिन मैं अपनी बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है जो आज का ये मैच है ना सिडनी सिक्सर्स अपने नाम पे कर सकता है। मेरे हिसाब से जो आज का ये मैच है ना सिडनी सिक्सर्स अपने नाम पे कर सकता है। लेकिन फिर भी भाई लोग मैं आपको बोलूंगा कि आप ना मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, क्योंकि इस मैच की जो फाइनल प्रेडिक्शन है ना वो मैच स्टार्ट होने के 2-3 घंटे पहले आपको मेरे टेलीग्राम पे मिलेगी। जिन लोगों ने मेरा टेलीग्राम ज्वाइन किया वो बहुत ही फायदे में, आप सोचोगे अच्छा ऐसा क्या तुम्हारे टेलीग्राम पे, देखो मेरी मत मानो, डिस्क्रिप्शन में जाओ लिंक मिलेगी, ज्वाइन करो, 2-4 मैचों में काम करना, आपको खुद समझ में आ जाएगा ना फायदा है कि नहीं फायदा। अगर फायदा रहना तो जुड़े रहना, नहीं होगा फायदा तो वापस आ जाना, कोई पैसा वैसा इसका थोड़ी ना लगना है। बस एक चीज का ध्यान रखना है, फेक से बचना है मेरे नाम पे, बहुत ज्यादा नकली टेलीग्राम चैनल बना लिए गए, इसलिए इधर उधर और कैसे टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करना, जो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में बस वहीं से ज्वाइन करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मैच की प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।